नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सब करियर चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम बात करेंगे स्लो कैरवा के दो प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप विलंबित कैरवा में बजा सकते हैं, जो बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि अभी मैंने पीछे विलंबित कैरवा के दो उठान डाले थे, अपलोड किए थे, तो उसके उस वीडियो में कई सारे कमेंट आए थे कि स्लो कैरवा जो है उसके दो एक दो प्रकार जो भी हैं वो आप बताने की कोशिश करें। तो इसमें मैं वही आपको बताने वाला हूँ, दो प्रकार हैं बहुत अच्छे जो मैं भी बजा रहा था, तो आप उनको देख सकते हैं, उनके बोल किस तरीके से आपने बजाने हैं। सेम जैसे हमेशा बताता हूँ, पहले स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। सफाई का विशेष ध्यान देना आपने, क्लियरिटी साफ आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आप रियाज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से। और स्लो कैरवा के आप गाने सुन सकते हैं बहुत सारे, ये जो जो प्रकार की बजा हुआ है, बहुत सारे गानों में जब भी आप स्लो कैरवा बजाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, जो मैं इसमें बताने वाला हूँ। खासकर जो सेकंड वाला है वो ज़्यादातर स्लो कैरवा में यूज होता रहता है, बीच में गज़ल में, भजन में, कई सारे सॉन्ग भी ऐसे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं नाम तो नहीं सबके बता सकता, लेकिन आप अगर सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स अभी नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, उससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल हैं स्लो करवा के, इसके बोल हैं ई। शुरू में आपने बेस आगे ले जाना है, ई यहाँ इसको चिपकाना है, जो जैसे हमेशा बताता हूँ, ठीक है, इस तरीके से धा धा। अब देखिए धा पे आपने जंप करना है, धी आगे धा ऐसे, ठीक है, धी धा धा धी धा धी धा धा धी धा, इस तरीके से आपने करना, धी धा धा धी धा धी धा धी धा। दूसरा वाला धी सिंपल लेना है, लेकिन शुरू वाला स्लिप करना है, धी धा धा धी धा, ठीक है। आना चाहिए बेस, ऐसा नहीं कि आप सिंपल सिंपल लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? ये अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए बेस का अच्छा होना जरूरी, ठीक है। धी धा ता धी ता धी ता धी ता, ठीक है, दोबारा देखें, धी धा ता धी ता धी ता पे स्लिप, ठीक है, इसमें जंप करना है धा पे, धी धा ता धी। दूसरा वाला जो धी धा पे जंप करना है, धी जो आएगा वो सिंपल आएगा पीछे की तरफ प्लेन वाला, ठीक है, एक ही बार जंप हो रहा है सिर्फ, दूसरे नंबर पे धी धा पे जंप हो रहा है, ठीक है, धी धा ता धी धा धा जब बजा देंगे तो ता एकदम बजाना है, धी धा ता धी ता, ठीक है, धी धा ता। यहाँ जब आप इसको नीचे रखेंगे तो इसके साथ ता बजाना है, धी धा ता धा ता ऐसे, धी धा ता धी ता धी ता धी ता ता धी ता धी ता धी ता। दोबारा से देखें लास्ट टाइम बिल्कुल स्लो में, धी स्लिप धा जंप, ठीक है, फिर उसके बाद धी सिंपल वाला, फिर ता, ठीक है, फिर ती, फिर ता, फिर धी, फिर ता, इस तरीके से धी धा ता धी ता धी ता धी ता। देखें धी धा ता धी ता धी ता धी ता। अभी बज कैसे रहा है एक बार इसको जंपिंग वाला देख लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बेस जो है कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें पहले हम स्लिप कर रहे हैं इस तरीके से, धी, फिर दूसरे नंबर पे जंप, धी धाता धी, फिर पीछे, ये
जो मैंने बेसिक लेसन जो जब दिया था तो उसमें मैंने ये बेस जरूर आपको बताया था, जंप वाला और इस तरीके से इसके बोले, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए बताया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है बजाने के लिए भी, ठीक है, आपने ठेका ठेके में भी सेम यही चीज़ को यूज़ करनी है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और गा लग रहा है हल्का सा, ये गाता धेता धेता धेता, अभी तो सिंपल चल रहा है। अब ती के बाद जो ता आ रहा है ना, ता के साथ हल्का सा गा भी आपने लगाना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जब आप धीरे धीरे बजाते रहेंगे तो आपके हाथ में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा ये। शुरू में आप अगर सिंपल प्रैक्टिस भी करते हैं तो ये अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसके अगर शुरू से थोड़ा आदत डाल लें आप तो अच्छा रहेगा, इससे भरा हुआ आता है, ठीक है। कैसे धी धा धा धा, ठीक है, चित्ता के साथ थोड़ा सा गा का यूज़ करना है। शुरू में आप सिंपल ही करें, ये धीरे धीरे अपने आप हाथ में आ जाता है। कैसे यहाँ चांटी सेम चल रही है इस तरीके, ठीक है, धाता एकदम आ रहा है, धाता धाता ऐसे तरीके से आपने ये बजाना है। दूसरा है, इसके बोले धा दिन धागे दिन धा तीन ता ता तीट धा दिन धागे दिन धा तीन ता ता तीट, इसमें बेस का ज्यादा मतलब काम है। किस तरीके से धा सिंपल धा दिन धागे दिन धा दिन धागे दिन देखिए किस तरीके से बेस काम कर रहा है। धा पे स्लिप धा धीन, ठीक है, धी पे इस उंगली से धी बजाएंगे तो धा धीन, ना आपने यहाँ से बजाना धी, यहाँ से धा धीन धा गे धीन धा तीन ता ता ती, इस तरीके से धा धीन धा गे धीन धा तीन ता ता, ठीक है, धा धागे धागे, इस तरीके से धा सिंपल और स्लिप करना थोड़ा शुरू वाला धा धा धीन, फिर धी जो है सिंपल आएगा धा धीन फिर धागे धागे, ठीक है, धा धीन धागे धीन धा धीन ता ता ते धा धीन धागे, ठीक है, धा ऐसे और गे इस तरीके से लेना है। धा को थोड़ा सा पुश करना है या स्लिप करना है और गे सिंपल छोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से आएगा धा धीन धागे धीन धा तीन ता ता ती। लास्ट टाइम देखें शुरू में धा धी, धी पे पहली वाली उंगली से ना हल्का सा आपने यहाँ से लेना है धा धीन, ठीक है, फिर धा गे धीन, ठीक है, फिर धा ती, ती आपने खुला तू बजाना है ती न, फिर सेम यहाँ से ना ती न, फिर ता ता फिर ती। अब देखें धा धीन, ठीक है, धी जो है इस उंगली से बजाएंगे और यहाँ से ये धा धी न, फिर धा गे धी न, फिर धा ती न, फिर ता ता ती। एक बार फिर से देख लिया ये वाला बोल, ठीक है, धा धीन धा गे तीन ता ता ती ता। एक बार मैं ये दोनों आपको बजा के दिखा देता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार बजा के दिखा देता हूँ शुरू में, ठीक है। उठान जो है मैं इसके बता चुका था आपको, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें आगे किस तरीके के लेसन अपलोड करने हैं, और शेयर जरूर करें। और एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था, अगर जैसे आप लोग सवाल करते हैं या कुछ पूछते हैं, उसके लिए अगर मैं एक दिन लाइव आ जाऊँ यूट्यूब पर, तो वो समय आप मेरे को बता दें। आप कमेंट जरूर करें कि किस टाइम आना चाहिए, अगर शाम का समय सही है या सुबह का। उसके लिए मैं स्टोरी में भी आपको एक बार बता दूंगा कि किस टाइम लाइव आना है। आप लोग जब कमेंट करेंगे तो उसके आधार पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है, लाइव आ जाऊंगा। उसमें हम जो भी आपके कुछ सवाल होते हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं, जो भी आप सवाल पूछते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रियाज करते रहें और ध्यान रखें खुद का भी, और रियाज करें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को, और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।